Former Union Minister Krishna Thirath, no longer with the Congress Party, the newest entrant into the BJP. She's speaking on her entry. बात रखने के लिए कुछ तो कहना ही होगा क्योंकि उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई थी ना ही मैंने कुछ सोचा था लेकिन जब मैंने कहा ना नीति जहां अच्छी लगी देश सेवा की भावना को देखा उस भावना को देखते मैं आ गई भाई वन बाय वन जी देखिए हर एक पार्टी का अपना अपना तरीका है कुछ की नीतियां क्या आगे करना है क्या उनका डिसिप्लिन है क्या नहीं हो सकता उसमें कुछ कमी रही होगी तो मुझे आना होगा ये मैं अपना नहीं बता सकती वो पार्टी का डिसीजन होता है जो पूनम जी पूनम जी देखिए मैं मान लू जी मैंने बताया ना कि मुझे खुद को भी नहीं था लेकिन जब मेरे मन में एक आया कि मैं कैसे जन सेवा में और आगे बढ़ सकती हूं उसको सोच लेके मैं आगे आ गया देखिए बात यह है कि अलग ये जो पार्टीज देश में बनती हैं वो जन सेवा के लिए बनती हैं देश की सेवा के लिए पार्टीज बनती हैं और जिसमें देश सेवा की भावना ही मैं साथ आ गई ये तो देखिए मैं जिस पार्टी में आई हूं उसके कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम महिलाओं को नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे हम दलितों को उनका अधिकार देंगे नहीं मांगा देखिए बात ये नहीं कि नैया डूब रही है या नैया उभर रही है बात यह है मैंने कहा कि देश को तरक्की कहां मिलेगी हम कैसे सेवा कर सकेंगे उस सेवा के माध्यम से मुझे आना हुआ मुझे लगता है कोई पर्टिकुलर अच्छा क्वेश्चन करे तो मैं जवाब दे सकूं एक मिनट कपिल देखिए जिस समय पे मैं चल रही थी काम कर रही थी मुझे लगा मुझे एक मौका जैसे मैंने काम किया उसमें आगे बढ़ेंगे हम लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगने लगा कि वो डिसिप्लिन खत्म हो गया वहां एक जो सोच थी वो खत्म हो गई और उस सोच के बिना लोग चलने लगे अब ये मैं कैसे बताऊं ये तो वो बताएंगे कि उनके नेतृत्व में क्या कमी है जिससे सब लोग इधर उधर जा रहे हैं देखिए बिल्कुल उनका सुबह मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है आपने टीवी पे भी देखा होगा उसके बाद मुझे यहाँ जो अध्यक्ष जी हैं बैठे हुए प्रभारी साहब बैठे हैं सभी बैठे उनके बाद ही सम्मान के साथ मैं यहाँ आई हूँ ऐसा नहीं है मेरे को कोई लालच के साथ मैंने कभी काम नहीं किया ये जनता बताएगी कि मैंने किस तरह से जनता की सेवा थैंक यू मैं फिर आपसे रूबरू होती रहूंगी धन्यवाद